भैया सभी को राम राम। मैं हूं पीयूष और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं महिंद्रा अर्जुन नोवो के सारे मॉडल और उनकी कीमतों के बारे में। जैसे महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 में जो है 6 से 7 मॉडल आते हैं। पहला जो है MS, PS, फिर MS4WD और 605 DII। DII में एक LX मॉडल आता है और एक DX मॉडल आता है, और LX में भी फोर व्हील ड्राइव आता है और DX में भी फोर व्हील ड्राइव आता है। तो ऐसे करके जो है 6 से 7 मॉडल जो है महिंद्रा अर्जुन नोवो में आते हैं अलग अलग। तो मैं आज उन सभी के बारे में, उनमें क्या अंतर है और उनकी कीमतों में क्या अंतर है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बात कर लें अगर सबसे पहले अगर ट्रैक्टर की, तो सभी मॉडलों में जो आपको लुक सेम देखने को मिलेगा, सेम जो है ट्रैक्टर आपको सामने से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर की डिज़ाइन जो है आपको पूरी सेम मिलेगी, सेम जो यहाँ पे कंपोनेंट है बाकी पूरे यूज़ किए गए हैं। सेम गियर बॉक्स 15+3, 15 आगे और 3 पीछे के लिए सभी मॉडलों में जो है सेम गियर बॉक्स मिलेगा आपको। लिफ्ट में भी जो है सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी आपको, बस MS मॉडल में जो लिफ्ट की कैपेसिटी थोड़ी कम मिलेगी, DII मॉडल में जो है लिफ्ट की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको। और टायर साइज़ की बात कर लें तो सभी मॉडलों में जो आपको 16 और 28 के टायर का साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है, और MS और PS मॉडल जो है उनमें 14 और 28 का भी ऑप्शन है। बाकी DII मॉडल में जो आपको सिर्फ जो है 16 और 28 के टायरों का ही ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें DII MS मॉडल की, तो यहाँ पे जो है उसमें I की जगह MS की बैजिंग आएगी। MS और MS मॉडल जो है अर्जुन नोवो का जो MS मॉडल है वो 50 HP का है। उसमें जो है MS मॉडल में जो आपको 3000 CC का इंजन मिलेगा, जो अपनी पूरी 50 HP की पावर 2100 रेटेड RPM में जनरेट करेगा। फिर उसके बाद आता है उसमें ही MS में जो फोर व्हील ड्राइव मॉडल, उसमें कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको, बाकी सारा जो सिस्टम है वैसे ही मिलेगा। बस उसमें जो अंतर रहेगा, सामने फोर व्हील ड्राइव सिस्टम आ जाएगा, उसमें 9, 5, 24 के जो है आपको सामने टायर मिलेंगे। इस मॉडल में भी जो है कोई सिमिलर कोई अंतर नहीं है, बाकी ट्रैक्टर जो है लुक में पूरा सेम रहेगा। बस जो है इंजन जो है वो आपको 52 HP कैटेगरी का मिलेगा PS मॉडल में, और इंजन की जो CC है 3531 CC में आपको मिलेगा, 2100 रेटेड RPM में जो अपनी पूरी 52 HP जो प्रोड्यूस करेगा। फिर उसके बाद आ जाता है DII मॉडल, तो ये है DII मॉडल DX डिलक्स, ये टॉप मॉडल है टू व्हील ड्राइव का। फोर व्हील ड्राइव में ही DX डिलक्स जो है टॉप मॉडल है, उसमें जो है सिर्फ अंतर फोर व्हील और टू व्हील का रहता है, बाकी फीचर के जो है पूरे सेम रहते हैं। तो DII मॉडल में भी जो है आपको 2 वेरिएंट मिलेगा, जो आपको DX डिलक्स मॉडल और एलएक्स मॉडल दोनों में ही। उसमें जो है मेन अंतर जो है फीचरों का आता है, और अगर आपने फ़ीचरों का अंतर देखना है तो मेरे चैनल पर जाइए, उसमें मैंने डिफरेंस का एक वीडियो बनाया हुआ है DX डिलक्स और LX मॉडल के बीच में 57 HP में जो अंतर है वो मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर जाके देखिएगा। और अगर बात कर लें फोर व्हील ड्राइव मॉडल की, अगर तो फोर व्हील ड्राइव मॉडल जो है फोर व्हील ड्राइव मॉडल में आपको एक मैकेनिकल चेंज मिलेगा। बाकी सारे मॉडल में जो आपको 15 आगे के और 3 पीछे रिवर्स गियर मिलेंगे, लेकिन फोर व्हील ड्राइव मॉडल में आपको यहाँ पे एक शटल शिफ्टर मिलेगा, जिसमें 15 गियर जो है आगे के ही और 15 ही गियर जो है पीछे के आपको मिलेंगे। तो ये एक मैकेनिकल चेंज है जो फोर व्हील ड्राइव मॉडल में आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा जो चेंज आपको मिलेगा वो है टायरों का, आगे 9, 5, 24 के बड़े टायर आएंगे फोर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में, और यहाँ आपको लीवर मिलेगा टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव में कन्वर्ट करने के लिए, जिसका इंडिकेशन जो है डैशबोर्ड में भी आपको मिलेगा। तो ये जो अंतर है फोर व्हील ड्राइव और टू व्हील ड्राइव में आएगा। फोर व्हील ड्राइव में भी DX डिलक्स और LX मॉडल आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है DX डिलक्स ही आजकल जो सेल में है, LX मॉडल जो है इतना महिंद्रा प्रमोट नहीं कर रहा है आजकल उसको। तो आपको अगर DX डिलक्स और LX मॉडल में अंतर देखना है तो मेरे चैनल पर जरूर जाएं, वो वीडियो ज़रूर देखें आप, उसमें आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन की चीज़ें मिलेंगी। सो अब मैं आपको एक एक करके सारे मॉडलों की प्राइस बता दूं। तो MS मॉडल जो है हमारा 7 लाख, तो MS मॉडल जो है हमारा वो 7 लाख से लेकर 7,20,000 तक मिल जाता है अकॉर्डिंग टू टायर साइज़। MS मॉडल में जो आपको टायर के 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक 14 और 28 का, एक 16 और 28 का। सामने का जो टायर है 7, 50, 16 का, वो तो स्टैंडर्ड मिलेगा ही हर वेरियंट में। तो 14 और 28 या 16 और 28 वाला टायर का आपको पीछे ऑप्शन मिलेगा MS मॉडल में, तो उस हिसाब से जो है 10 से 15 हज़ार का जो अंतर MS मॉडल में आ जाएगा। फिर बात करें PS मॉडल की, तो PS मॉडल जो है MS से
20 से 30 हज़ार रुपये तक महंगा है, वो वेरी करता है डीलर टू डीलर और जहाँ आप रह रहे हैं स्टेट वाइज भी। तो PS मॉडल की जो कीमत है 7,40,000 से लेकर 7,50,000 तक पड़ती है। और बात करें अब DX, बात करें अगर DII मॉडल की, तो DII मॉडल में जो आपको DII मॉडल की कीमत के बारे में आपको अगर बताऊं, तो DII मॉडल जो है आपको जो है 7,80,000 से लेकर 8,20,000 तक पड़ जाएगा अकॉर्डिंग टू मॉडल। अगर आप LX मॉडल लेंगे तो आपको 7,80,000 तक का पड़ जाएगा, और DX मॉडल लेंगे तो उसमें 40,000 से 50,000 तक का अंतर है, 8,20 या 8,30 तक आपको पड़ेगा। 40 से 50 हज़ार ज़्यादा देने में आपको 6 से 7 चीज़ें जो ऐसी ज़्यादा भी मिल जाएंगी, जो कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ट्रैक्टर को लेने के बाद में जो है लगवा नहीं सकते हैं। तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें आप मेरे चैनल पे जाके। तो ये था आज की एक वीडियो महिंद्रा अर्जुनोवा के और ऑल वेरियंट को एक्सप्लेन करते हुए, जो मैंने आपको इसकी कीमतें बताई है। तो आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।